जब ट्रेन हादसे से 2 महीने के बच्चे की जान बचाने एक इच्छाधारी नागिन चले आई। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिवधाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटक के गांव में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ है जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। ये घटना कुछ 2 वर्षों पहले की ही है। कर्नाटक के एक गांव में सुधीर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो पैसे में किसान था। सुधीर का इस संसार में कोई भी नहीं था, पूर्ण रूप से वह अकेला था। परंतु वह महादेव शिव को ही अपना परिवार मानता था। वह अपने हर दिन की शुरुआत महादेव शिव के नाम को लेकर करता था। साथ ही हर सोमवार वह उपवास भी किया करता था। वो बहुत मेहनती था और सारे दिन खेत में ही काम किया करता, और जब खेत से फुर्सत मिलती तो वह महादेव की भक्ति में लीन हो जाता। वैसे तो सुधीर को अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं था, परंतु कई बार लोग उसे अनाथ होने पर ताने मारते। उस समय दुनिया में अकेले होने की बात उसे बड़ी सताती। वह महादेव से अक्सर कहा करता, प्रभु काश मेरा भी कोई अपना होता जिसके साथ मैं अपना सारा सुख दुख बांट पाता। एक रात वह महादेव शिव की पूजा कर रहा था और प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुधीर पड़ोस के गांव से खेत के लिए कुछ नए बीज और खाद लेने चला गया कि बीच रास्ते में जो सुधीर की आंखों के सामने घटित हुआ उसे देख किसी के भी होश उड़ सकते हैं। दरअसल सुधीर जिस मार्ग से जा रहा था उस मार्ग में रेलवे का एक फाटक पड़ता था। सुधीर जब उस फाटक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि फाटक बंद है और बत्ती भी लाल है। वह समझ गया कि कोई रेल आने वाली है। वह वहीं खड़ा होकर फाटक खुलने का इंतजार करने लगा। तभी उसने कुछ दूरी पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। सुधीर ने देखा कि कोई रेल की पटरी के बीचों बीच अपने बच्चे को छोड़ के गया है, जिसकी उम्र बहुत ही कम, लगभग 2 महीने की ही होगी। तभी सुधीर की नज़र ट्रेन पर पड़ी जो बहुत तेजी से उस बच्चे की तरफ आ रही थी। सुधीर ने उस बच्चे को बचाने के लिए फाटक कूदना चाहा, परंतु फाटक काफ़ी ऊंचाई वाला था। चाहकर भी सुधीर फाटक कूद नहीं पा रहा था। वहाँ उस समय आसपास भी कोई नहीं था। जब सुधीर को उस बच्चे को बचाने का कोई उपाय समझ में नहीं आया तो वह महादेव की मदद के लिए गुहार लगाने लगा। तभी वहाँ जो कुछ भी हुआ वह अद्भुत और दिव्य था। अचानक उस बच्चे के पास एक बड़ा सा नाग पहुँच गया। उस नाग ने उस बच्चे को पहले चारों तरफ से घेरा और फिर अपने आप में लपेट लिया और धीरे धीरे उस बच्चे को धकेलता हुआ पटरी से किनारे की तरफ ले आया। सुधीर को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सांप कहाँ से चला आया और कैसे बहुत आसानी से बच्चे की जान बच गई और उस बच्चे को बचाकर अचानक से वह सांप गायब हो गया। परंतु तभी सुधीर को सब समझ आने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह कोई साधारण नाग नहीं था, उसे जरूर स्वयं महादेव ने भेजा है। और जब फाटक खुला तो तुरंत सुधीर ने उस बच्चे को उठाया और अपने साथ ले आया, तथा सुधीर ही अब उस बच्चे का लालन पोषण करने लगा था। महादेव की कृपा से उस बच्चे की जान भी बच गई और सुधीर के अकेलेपन महसूस होने का उसका दुख भी अब दूर हो चुका था। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर इसे जरूर कीजिएगा।